Good morning class, this is your English class and today we are going to discuss English grammar. And first of all, I would like to tell you some basic things about English grammar which is related to the language closely. So, begin the English grammar. First of all, we should know about the title about which we are going to discuss. Here we can see two words, English and grammar. So firstly, we should know about English. What is English? English hai kya? Theek? So sabse pehle hum English ko dekhte hain ki English hai kya. So English is a language. Simply we can say that English is a language. Kya hai? English ek लैंग्वेज है जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है ओरिजिनली ऑफ इंग्लैंड, जिसकी ओरिजिन जो है यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई है, इंग्लैंड से हुई है. तो हमको पता चल गया कि इंग्लिश है क्या. इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, जैसे उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, अरेबिक है, ये सारी जो है लैंग्वेजेस हैं. तो वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है. जैसे हम लोगों की लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो वैसे ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है. ठीक, तो ये इंग्लिश जो है क्लियर हुआ. इसमें हमको एक वर्ड मिलता है लैंग्वेज. तो अगर हमने कह दिया इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो हमको अब ये जानना है कि लैंग्वेज आखिर क्या है, लैंग्वेज का काम क्या है, हाउ टू वर्क अ लैंग्वेज. तो फिर हम देखेंगे क्या लैंग्वेज है, क्या व्हाट इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन आई स्पीच एंड राइटिंग. कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी चीज का आदान प्रदान करना, यानी कि बांटना एक दूसरे से या शेयर करना. तो इसमें क्या शेयर होता है, हमारे थॉट्स या हमारी स्पीचेस या हमारी जो भाषा होती है, हम कुछ भी जो फील करते हैं उसको जो जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो एक दूसरे जब हमारी बात को समझते हैं तो उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है. इन स्पीच जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इसके कई मीन्स हो सकते हैं, बाय जेस्चर, बाय वर्ड, बाय स्पीच. तो बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग कभी कभी एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग. तो यहाँ पर लेकिन हमको क्या करना है, स्पीच में देखना है, यानी कि साउंड के साथ. तो लैंग्वेज जो होता है वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर साउंड. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होता है वो एक सिस्टम होता है, किसका, अपनी फीलिंग को कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से. और इसको कैसे हम राइटिंग में भी कर सकते हैं और स्पीच में भी कर सकते हैं, यानी कि लिख करके भी कर सकते हैं और बोल कर भी कर सकते हैं. तो अब हमने देखा कि जो है ये तो हो गया इंग्लिश और लैंग्वेज, ये दो चीजें आपको क्लियर हुई. अब यहां पर हमको एक वर्ड और दिखता है, ग्रामर. तो हम ग्रामर पढ़ते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता है कि ग्रामर आखिर होता क्या है. तो हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज ग्रामर. तो ग्रामर आखिर है क्या, एक्चुअली ये होता क्या है. तो ग्रामर जो है ये क्या होता है, ग्रामर इज द रूल्स. रूल्स यानी कि नियम. ये नियम होते हैं इन अ लैंग्वेज, एक भाषा में, मतलब भाषाई नियम होता है, यानी कि लैंग्वेज के रूल्स होते हैं विच इज इसेंशियल, जो कि जरूरी होता है, किस लिए, फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज करेक्टली. क्या करने के लिए, कि जो ग्रामर होता है, ग्रामर डील्स विद द रूल्स इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज विच इज इसेंशियली फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग अ लैंग्वेज करेक्टली. मतलब किसी भी भाषा को सही सही बोलने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत होती है. अगर जैसे कहे कि वह जाता है, ही गोज, अगर हमको इसको ऐसे कह दें जाता है वह, तो ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर वे में हो जाता है, इम्प्रॉपरली जो है ये अरेंज्ड है. तो इसलिए ये एक तरीके से करेक्ट वे नहीं है, ये सही स्पीच नहीं है. तो हमको जो स्पीच है उसको एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट करना होता है. तो भाषा तभी आपकी करेक्ट मानी जाएगी, अदरवाइज
लैंग्वेज जो है वो सही नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ग्रामर क्या है, ग्रामर जो होता है वो रूल्स होता है जो डील्स करता है किससे, डील्स विद लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। और इसेंशियली इसके लिए मतलब विशेषतया जो है यानी कि मुख्य रूप से जो है वो राइटिंग और स्पीकिंग के लिए होता है, जो कि हम कैसे उसको कर सकते हैं करेक्टली उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग फॉर्म में हो चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो। तो देन अब यहाँ पर बात ग्रामर की हो गई, जो कि इससे रिलेटेड होता है रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब नीचे हम आते हैं, ये वर्ड है अल्फाबेट। तो हमको कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले उससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं, उसके साइंस हैं और सिंबल्स हैं और उसकी जो फ्रेमिंग है वर्ड्स की, वो हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्फाबेट पे। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि हिंदी में जो है वर्णमाला होती है उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, वैसे ही अल्फाबेट भी होते हैं। लेकिन अक्षर मात्र होने से यानी कि लेटर होने से ही वो अल्फाबेट नहीं हो जाएंगे, कि बहुत सारे अगर जंबल्ड लेटर हैं जैसे ए के बाद सी आया, जेड आया, एम आया, ये मेयरली लेटर होंगे, यानी कि ये केवल और केवल लेटर होंगे, ये वर्ड्स सॉरी ये जो है अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन जब इसको अरेंज कर दिया जाता है या ऑर्डर वे में लिख दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये अल्फाबेट हो जाता है। तो इसको अल्फाबेट को क्या कहते हैं, अरेंज सेट ऑफ लेटर्स, अरेंज सेट ऑफ लेटर्स इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में वे शब्द जो अरेंज होते हैं, कैसे मतलब अरेंज्ड वे में लिखे गए होते हैं, ऑर्डर्ड वे में लिखे गए होते हैं, यानी कि क्रम से लिखे गए होते हैं, जो जंबल्ड नहीं होते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं एलकेजी से लेकर के जो जब भी पढ़ते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी इस तरीके से इस वे में, यानी कि एक ऑर्डर्ड वे में पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते हैं कि ए जेड बी वाई इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो जो अरेंज सेट ऑफ लेटर्स है उसी को अल्फाबेट कहा जाता है। तो अल्फाबेट में जो है आप जानते हैं कितने वर्ड्स होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं। इन 26 वर्ड्स में अल्फाबेट में जो है जो लेटर्स होते हैं, सॉरी ये लेटर्स है, 26 लेटर्स हैं, तो ये 26 लेटर्स होते हैं और लेटर्स जो है 26 लेटर्स जो है सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। वो दोनों पार्ट्स कौन से हैं, एक है वॉल और एक है कंसोनेंट, एक वॉल साउंड है और दूसरा है कंसोनेंट साउंड। ये वॉल और कंसोनेंट जो होते हैं ये रिलेटेड टू द साउंड, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं इट डिनोट अ पार्टिकुलर साउंड्स। तो ये वॉल जो है यानी कि वॉवेल कहते हैं लोग, ये फाइव होते हैं, वॉवेल्स आर ऑफ फाइव काइंड्स, एफ ए ई आई ओ यू, और ये सारे जो हैं वॉल साउंड हैं, इनको जो है हिंदी में स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमको वॉल कहना है कि वॉल जो होते हैं कितने होते हैं, फाइव होते हैं, देयर आर फाइव काइंड ऑफ वॉवेल दैट एस ए ई आई ओ यू। ठीक, और दूसरा जो सब डिवीजन है वो है कंसोनेंट का, कंसोनेंट कंसोनेंट कितने होते हैं, कंसोनेंट 21 होते हैं वॉवेल को छोड़ करके, एक्सेप्ट वॉवेल, जैसे बी सी डी एंड सो ऑन, मतलब जेड तक जितने भी वर्ड्स हैं वॉवेल को छोड़ करके वो सारे क्या हैं, कंसोनेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन स्पीच का यानी कि जो भी आपकी स्पीच का जो मुख्य जो है पार्ट होता है वो होता है वर्ड, वर्ड्स जो है वो आपकी स्पीच को, स्पीच के फॉर्मेशन यानी कि किसी भी लैंग्वेज के फॉर्मेशन में बहुत ही इसेंशियल जो है रोल होता है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वर्ड्स जो होता है ये जैसे आपने पढ़ा, लेटर्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर्स, लेकिन जो वर्ड्स होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ये सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है जो वर्ड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्ड्स को देखते हैं, वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स इज अ सिंगल यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज विच मीन्स समथिंग, मतलब एक यूनिट होता है, यूनिट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, ये जो वर्ड्स होता है इट मेड फ्रॉम लेटर्स, यानी कि आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर्स विच मीन्स समथिंग, आप इसको कह सकते हैं कि ये वर्ड्स जो होता है किससे बनता है, लेटर्स से बनता है,
ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, यानी कि अर्थ होता है, मीनिंग होती है। तो यहाँ पर ये एक सिंगल यूनिट होता है लैंग्वेज का जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, सेम चीजें हैं, लेकिन ये किससे बनते हैं, ये वर्ड जो बनता है वो लेटर्स से बनते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका, अब वर्ड्स जो है, आपने वर्ड्स पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इंपॉर्टेंट जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीच में, लेकिन आप देखते हैं जो आप जब कोई स्पीच जो है एक कंप्लीट वे में बोली जाती है तो उसके लिए हमको वर्ड्स की ही नहीं बल्कि सेंटेंस की जरूरत होती है, और सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्ड से होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो ये मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल, ठीक है, ये जो होता है एक मीनिंगफुल जो है वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो सेंटेंस होता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। मतलब ये एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो क्या क्या दिखाता है, जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं यानी कि स्पीच जब हम देते हैं या कोई भी लैंग्वेज में अपनी जो है एक्सप्रेशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें चार चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो हम किसी भी अपनी अपनी फीलिंग को स्टेटमेंट में जो है एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि सीधा सीधा हम कुछ बोलते हैं, जैसे वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, तो इसको हम सीधे सीधे कह देते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही रीड्स बुक, वह किताबें पढ़ता है। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट, जब हम सीधे सीधे कोई बात कह देते हैं स्पीच में, ठीक है, लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में। और दूसरा होता है जब हम किसी बात को क्वेश्चन वे में करते हैं, यानी कि जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पर जो है आप, ये भी स्पीच का एक, यानी कि स्पीच का एक जो है सेंटेंस का एक काइंड होता है जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम जैसे व्हाट इज योर नेम, वेरी फेमस सेंटेंस है कि आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर फादर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन सेंटेंस होता है। और कमांड, कमांड जो होता है जब हम किसी को किसी बात के लिए कमांड करते हैं, इसमें कई चीजें आती हैं, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है, एंट्रिटी आता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसमें कमांड वाले में इसको कहते हैं आदेशात्मक सेंटेंस, यानी कि जब हम कोई कमांड देते हैं किसी मतलब सेंटेंस के जरिए, ठीक है, तो इसमें जैसे गो देयर, सिट डाउन एंड फॉलो मी, ये सारे जो होते हैं वो कमांड वे में होते हैं। या जब रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो इस तरीके से ये जो कमांड वाले सेंटेंस हैं इसमें कई पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो आप जो है अपनी फीलिंग को जो है कमांड में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो था एक्सक्लेमेशन, यानी कि सडन फीलिंग ऑफ योर हर्ट, जब आप अपनी फीलिंग को अचानक यानी कि सडनली एक्सप्रेस कर देते हैं तब वो जो होता है एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि अलास ही इज डेड, बड़े दुख की बात है जब हम अचानक जैसे सुनते हैं कि कोई मर गया, अरे अलास ही इज डेड, कि अरे वो मर गया, बड़े दुख की बात है वो मर गया। व्हाट अ सीन इज दिस, कितना अच्छा सीन है ये, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, थैंक यू।